वहीं केदारनाथ से गौचर के बीच भीमबली के पास एक हेलीकॉप्टर घाटी में गिर गया। इसे वायुसेना के MI-17 से एयरलिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन हवा के असर और हेलीकॉप्टर की वजन से बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसके कारण पायलट ने उसे घाटी में ड्रॉप कर दिया। दरअसल कैस्ट्रल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर 24 मई को खराब हो गया था। इसमें 6 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में 8 बार लहराया था, तभी से यह हेलीपैड पर खड़ा था। इसकी गौचर एयरबेस पर रिपेयरिंग होनी थी। हेलीकॉप्टर में ना तो कोई यात्री था ना सामान, इसलिए किसी तरह के जनहानि का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि एहतियात SDRF के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के मलबे में सर्चिंग की। पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने सभी लोगों से अपील की है कि हेली क्रैश में किसी के हताहत होने संबंधित अफवाह न फैलाई जाए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्ट्रल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो उसके दृष्टिगत, उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं।